हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है पेठा। वैसे तो ये कई जगह पे बनाई जाती है, बट जितना मशहूर आगरा का पेठा है उतना कोई और नहीं। ये दो तरह से बनाई जाती है, एक सूखी और एक रसीली। तो आज मैं सूखी वाली पेठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 kg का पेठा फल। इसे कई जगह पे भत्तू या कुम्हर कहा जाता है। इसे आप क्या अपने लैंग्वेज में कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेठा हमें पका हुआ लेना है, जो मैच्योर हो गया हो। इसकी मिठाई अच्छी बनती है। और इसके पके हुए का पहचान ये है कि जब इसे कट करके इसका बीज निकालेंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो सबसे पहले इसे कट करके इस स्पंज वाले पोर्शन को निकाल लें, जो सॉफ्ट पोर्शन होता है ना उसे अच्छे से निकाल लें, और इसके छिलके वो भी निकाल लें। और इसे आप चौकोर, गोल, जिस तरह का शेप चाहिए उस तरह का आप काट लें। अब इन पीसेस को फोक की मदद से प्रिक कर लें। ऐसा करने से चाशनी अंदर तक अच्छे से जाती है। और अब एक स्टील के बर्तन में चूना लेना है और 4 से 5 लीटर पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और सारे पीसेस को इसमें डाल दें और इसे 12 से 15 घंटे के लिए डुबो कर रखना है। और उसके बाद इसे 7 से 8 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लें। जब तक इसका पानी साफ ना आ जाए तब तक इसे वॉश करें। अब एक कढ़ाई या पतीला लेंगे जिसमें पानी डालना है, और पानी तकरीबन इतना डालना है जिससे पेठा जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 4 लीटर पानी लिया है और इसमें बॉयल आने देंगे। अब ये पानी बॉयल होने लगा है तो इसमें सारे पेठा के पीसेस डाल करके बॉयल करें। और अब इसमें बॉयल आने लगा है तो बॉयल आने के बाद इसे 10 मिनट और पकाना है और फ्लेम को तेज रखना है और बीच बीच में स्पैटुला से चलाते रहें। और 10 मिनट बॉयल होने के बाद आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि इसके एजेस काफ़ी शार्प हो गए हैं। तो इसी टाइम फ्लेम को ऑफ कर लें और इसे किसी जाली वाले बर्तन के ऊपर रख करके फैला लें जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 1.5 kg चीनी और 4 कप पानी डाल करके फ्लेम को ऑन कर लें और फ्लेम को शुरुआत में स्लो रखना है। इसे बराबर मिक्स करते रहें जिससे चीनी जल्दी घुल जाए। और जब इसमें उबाल आ जाए तो सारे पीसेस डाल करके फ्लेम को तेज़ कर लें और बीच बीच में स्पैटुला से चलाते रहें। ये पीसेस डालने के बाद इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें एक तार की चाशनी न बनने लगे। करीब 10 से 15 मिनट पकने के बाद इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ये चाशनी भी बनने लगती है। ये लास्ट ड्रॉप आप देखेंगे तो एक तार जैसा बनता है। तो फ्लेम को ऑफ कर लें और 10 घंटे या ओवरनाइट इसे इसी तरह से चाशनी में रहने दें। दस घंटे के बाद पेठा की चाशनी पतली हो गई है, यानी कि पेठा ने अपना एक्स्ट्रा चाशनी छोड़ दिया है। तो इसी टाइम अगर आप कोई फ्लेवर या एसेंस ऐड करना चाहते हैं तो इसी टाइम ऐड कर लें और फिर इसे फ्लेम के ऊपर रखें और तब तक कुक करें जब तक कि ये चाशनी वापस से फिर से न गाढ़ी हो जाए। अब ये चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ऊपर से कोट सी बनने लगी है, तो इसी टाइम इसे जाली के ऊपर रख कर इसे सूखने दें। अब सारे पीसेस को जाली वाले प्लेट के ऊपर इस तरह से फैला दें। जाली के ऊपर रखने से एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाएगा
और इसे 12 से 15 घंटे पंखा के हवा के नीचे रखें और बीच बीच में इसके साइड को पलट लें। और जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो इसे किसी एयरटाइट डब्बे में स्टोर कर लें। ये 2 से 3 महीने खराब नहीं होता है। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब पेठा को आप स्टोर करते हैं तो ये पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो इसे 1 से 2 दिन तक अच्छे से सुखा लें। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ।